बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी हैं, वेलकम कर रहे हैं थोड़ा अपने चैनल अरीजा साहब ब्लॉग्स पे। उम्मीद कर रही हूं सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक हम सब लोग ठीक ठाक रखे से तो तंदुरुस्त अता फरमाए, आमीन। तो जी आज मैं थोड़े लिए बड़ी ही आसान जी मज़ेदार जी रेसिपी लेके आई हूं, उम्मीद कर रही हूं थोड़ा बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अज की रेसिपी में आप बनावे चिकन कलेजी बोटा, मुर्गी के कलेजी बोटे बनावे। बहुत ही आसान जहा तरीका होएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी। सब तो पहले जी आप हांडी रखा, अग में जला लिया पहले ही। जी बोटे मैं लाया 1 किलो, तो कलेजी भी मैं 1 किलो ही लिया। इन्हों टाइम लग जाता साफ करते करते, खून वगैरह भी जमया हुआ होंगे वा, तो अच्छे तरीके ध्यान साफ कर लेना वा, बोटिया भी अच्छे तरीके साफ कर लेना। इन्हों अच्छे तरीके साफ करके धो लिया वा, सफाई का ख्याल रखना। तो जी हांडी उपर रख लिया, सब तो पहले जी आप पानी पावे, तकरीबन 750 ग्राम पानी पावे, तकरीबन 2-2.5 गिलास पानी के पावे। सब तो पहले जी आप पा लेंगे बोटे, जी बोटे पहले पावे क्योंकि बोटे गलन थोड़ा टाइम लगता, कलेजी जल्दी पक जाती है, कलेजी बाद पावे। हाँ जी जी हूँ पा देंगे प्याज, बारीक कटे हुए प्याज असी लिया, तकरीबन 1 किलो के लगभग प्याज आ, इन्हों बारीक कट लिया वा, प्याज पा देंगे। हाँ जी जी प्याज भी पा दिते आ, होर जी मसाला वगैरह नाल कुटते जावे तो नाल पाते जावे। ए जी टमाटर मिर्च नहीं है, 8-10 अदद सब्जी मिर्चा वा, टमाटर 3 अदद टमाटर पा देवे, मिर्चा कुट के पावे। ए जी लहसुन का अदरक लिया वा, तकरीबन 2-3 इंच का पीस है अदरक का, तो लहसुन के 2 गंढे लाया लहसुन के, पोथियां छिल लिया वा। ए जी टमाटर कट के पा देंगे बिच, गंढे इस वजह तो ज्यादा पाए क्योंकि मसाला वगैरह अच्छा बन जाएगा, ज्यादा बन जाएगा, टेस्टी लगेगा मसाला बनया हुआ, भुनिया हुआ जिवें गोश्त वगैरह होंगे उनके मसाला अगर ज्यादा हो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता। ये नमक मिर्च भी थोड़ा जहा ज्यादा पैंदा वा, मतलब थोड़ा तीखा तीखापन होंगे वा। ये रेसिपी वो आ कि तुम रोटी तो बगैर भी इनू खा सकते हो, अगर तुहाडे कोल चपाती वगैरह नहीं हैगी तुम इनू बगैर रोटी के भी, अगर तुम इनू हाथ चक के अगर बोटियां भी खाना पसंद करो तो खा सकते हो कलेजी बोटे दियाँ। हाँ जी जी टमाटर में पा लेते हैं, होर जी इस अलावा पावे 2 चम्मच लाल मिर्च दे, 2 चम्मच नमक दे, 1 चम्मच हल्दी का वा, इन्हों पा देंगे। ए जी सब्ज़ मिर्चा जड़िया मैं थोड़ा दसिया वा, 8-10 अदद सब्ज़ मिर्चा वा, लहसुन अदरक आ, इन्हों आप कुट लवेंगे, लहसुन अदरक में पहले पा लेंगे, मिर्चा जरा बड़िया इन्हों थोड़े पीस कट के फिर पावे तो कुट लेंगे, फिर ईजीली कुट हो जाएंगे। लहसुन अदरक के मिर्चा कुट लिया वा, हूँ जी इन्हों हांडी में पा देंगे, जो कुट हो उदों ही पा देवो, अगर तुम कुटिया हुई पहले आ जो तुम फोटे पाया बिच उदों नाल ही पा देने, मैं कुटिया नहीं हुई इस वजह तो मैं बाद कुट के पा रही हूँ। कलेजी आप बाद पावे क्योंकि अगर तुम शोरबे वगैरह वाला सालन भी अगर बनाने ना तो कलेजी जल्दी गल जाती है, तो इस वजह तो कलेजी बाद ही पाई जाती है। ये जी रेसिपी मैं तुम्हें दसन नहीं है बिल्कुल देसी स्टाइल ना रेसिपी है, बहुत ही जल्दी भी बन जाती है, आसान जहा तरीका, कोई भी आम घर अगर कोई भी बनाना चाहो तो यह रेसिपी बना सकता, क्योंकि इतनी सिंपल जी मैं तुम्हें दसन नहीं हाँ कि बिल्कुल कोई इन्ना ज़्यादा याद रखने वाली भी गल नहीं, बिल्कुल सिंपल जी रेसिपी आसानी बना सकते हो।
हाँ जी जी और गल दसदा मैं थोड़े नाल देसी रेसिपी शेयर कर दी, देसी तरीके नाल बनाने दा तरीका थोड़े नाल शेयर कर दी कि रेसिपी बनवी ईजीली जावे, बनवी हैल्दी जावे, टेस्टी बने, बहुत ही मज़ेदार बन गई। तुम्हें लास्ट में ट्राई करियो कलेजी पोटा, बहुत ही सिंपल जी आसान जी रेसिपी आ, बहुत ही टेस्टी हैल्दी जी बनती आ। तो जी इस तरीके इन हम आप पकन देवे, जब तक पक रहे जी उन्नी देर आप कट लवेंगे। ए जी मैं लिया वा लसन दिया भूकां जिन्हें कहते हैं ना, वो लिया वा। यह जी तुम देख रहे हो यह लसन दिया भूकां लिया, इन्हों बारीक बारीक कट लाँगे। सब्ज लहसन लिया वा, आम जुबान सब्ज लहसन, इन्हों बारीक बारीक कट लाँगे। हसबैंड जरूरत इन पावे, यह ज्यादा वा सारा मैं कट रही हूँ, लेकिन हसबैंड जरूरत आप पावे। जिड़िया देसी हांडिया होंगे या जिड़िया गाँव में आम तौर पर बनाई जाती हैं, उन्होंने सब्ज लहसन सब्ज प्याज ये आम पाया जाता, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना दिता हांडिया, टेस्टी जी प्यारी जी खुशबू भी दिता। हाँ जी यह सब्ज लहसन कट लिया, बहुत ही प्यारी जी खुशबू आ रही है, इन ढकना भी क्योंकि इन कट लिया वा। और जी इस अलावा हांडी में पाने मैं लिया वा सब्ज धनिया बारीक कटिया हुआ, कुछ सब्ज मिर्चा मैं कटिया वा, चार तो पाँच अदद बारीक बारीक सब्ज मिर्चा कटिया, इन्हों पावे जो हांडी तैयार हुई। हूँ जी कुट लवेंगे ताज़ा, ये जी गर्म मसाला लिया वा, कुछ काली मिर्चा लिया वा, कुछ जी धनिया लिया वा खुश्क धनिया, इनू इन्हों पीस लवेंगे ताज़ा पीसे हुए, भी बहुत ही जबरदस्त प्यारी खुशबू आती है, इन कुंडी में पा के कुट लाँगे रगड़ लाँगे। हाँ जी ऐसे तरीके आए पीस लवेंगे। हाँ जी जी मसाला असी कुट लिया, कालिया मिर्चा, गरम मसाला, सूखा हुआ धनिया, तो जी हम हांडी देख लाँगे तकरीबन जी गल गया या पोटे, अगर तुसी चेक करना हो इदा कर लो फ्री मदद ना। हाँ जी तकरीबन गल गया पोटे, तो इन्हों पकाना पकाना कि जो तुम खाने लगे जो इन्हों चबाओ तो आवाज़ आती होंगी पोटिया की, बड़ी ही जबरदस्त लगती, तो मज़ा भी बड़ा आता खाने का पोटे। तो जी हूँ पा देंगे जी ये कलेजी, कलेजी पाता फिर चार पाँच मिनट बाद आप घ्यो पावे, ये ढाप देवे थोड़ा ढक्कन देवे कलेजी को, बाद घ्यो पावे फिर मसाले वगैरह पावे जिदा जो पावे मैं तुम दस दी। हाँ जी जी तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हूँ जी, हाँ जी थोड़ा चेक कर लाँगे जी, पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया जो पहले पाया से, हूँ जी ये घ्यो पा देंगे, हसमें पूरा ठंडे के हिसाब से घ्यो पा लेंगे, घ्यो पा लेंगे घ्यो। हाँ जी घ्यो पा दिता जी, मैडम ने खोलते इन्ने जूते है ना भाइया के खोल इंडी भाइया के पा ली, उमर भाई का पाया ना बाजी, मैडम खेल रही है फिर चेंज कर लेगी, इधर आई ना इधर आओ,
हाँ जी जी घी पा दिता हांडी में थोड़ा जा दही पावे हसबे जरूरत तकरीबन एक कप इन फेंट के पावे हाँ जी नहीं लेना सी नहीं मम्मा से नहीं लेना गंडे भी ज्यादा इस्तेमाल किए दही भी इस वजह तो पाया कि हांडी में टेस्ट भी बनता वा टेस्ट अलग ज्यादा दे दिता तकरीबन 8-10 मिनट अच्छे तरीके नाल भुन लांगे घी भी पा दिता वा दही पा दिता इस तरीके नाल इन भुन लांगे हांडी नूं इन तकरीबन ढांक लांगे इस तरीके नाल ढांक के नूं इस तरीके नाल भुन लांगे हांडी नूं हां जी जी इस तरीके नाल इन 8-10 मिनट भुन लांगे हल्की हल्की आंच ते अगर जरूरत होई ते नाल नाल डोई भी हरा लेंगे चमचा हरा लेंगे जी होर तुम दस दें कि पोटे दिन बोटियां जरा छोटिया कीतिया फुल बड़ा पोटा नहीं पाया सीगा जरा छोटिया कटिया सीगिया होर जी अग भी नहीं मिली मिल रखनी होर मसाले जेडे नमक मिर्च आ जरा ए अच्छी लगती है बहुत ही टेस्टी बनता जिदा कि पहले तुम दसिया चपाती तो बगैर भी तुम खा सकते हो बोटियां चक्के खा सकते हो बहुत ही टेस्टी बनती है कलेर दिन पोटे वैसे भी मसाला वगैरह बनया हुआ बहुत ही जबरदस्त लगता जिम्मे कले वगैरह भी बनाया जाता वा इन बहुत ही और तरीके होंगे उन्होंने बनाया जाता बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके भुन लागे हल्के हल्के आ के हाँ जी जी हांडी बन के तकरीबन तैयार हो गई है 8-10 मिनट हो गए भुजते हुए हूँ ये थोड़े जे पावे थोड़ा जहाँ आप पावे सब लहसन हसबे जरूरत थोड़ा जा इन्ना मैं पा रही हल्का जा होर जी लैमन पावे बारीक इदा राउंड शेप कटिया हुआ वा इन पा देंगे थोड़ा जा ग्रेवी वगैरह भी बहुत अच्छी बन गई है कलेजी मोटिया की बहुत ही जबरदस्त खुशबू भी आ रही है होर जी आप जो मसाला कुटिया कालिया मिर्चा गरम मसाला खुश्क धनिया इन पा देंगे हाँ जी जी ए सब्ज धनिया हरिया मिर्चा सीगिया बारीक कटिया हुई इन्हों पा देवे बिच एक रहना एक मैं पाया हाँ जी हाँ जी जी हांडी तकरीबन बन गई है हमें डिश आउट कर लेंगे बोटियां खानियां वा बोटियां खानियां नींबू नहीं बोटियां बोटियां पाके दे और नींबू नहीं खाना ना अर बी आ उत्ते नींबू ना हाँ बी आ हाँ जी जी रेसिपी बन गई है हम डिश आउट कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਲੇਜੀ ਪੋਟੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਉੱਪਰ ਡਾਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦਾ, ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਲੇਜੀ ਪੋਟੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੀ ਆ। ਹਰਿਆਨ ਮੈਡਮ ਗਰਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ? ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਿੰਬੂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਮਾਲਟਾ ਖਾ ਲਈ? ਮਾਲਟਾ ਖਾ ਲਈ? ਨਿੰਬੂ ਗਰਮ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਹਰਿਆਨ ਨੂੰ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਛੋੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਨ ਖੱਟਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਲੇਜੀ ਪੋਟੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਰੈਸਪੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਈਓ। ਨਿੰਬੂ ਲੈਣਾ ਵਾ? ਨਿੰਬੂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਫਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਕਾਂਡੇ ਪਾਏ ਆ? ਕਾਂਡੇ ਪਾਏ ਆ? ਬਸ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਾਂਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਨਾ ਕਹੀ ਹੋਰ, ਨਾ ਕਹੀ ਹੋਰ, ਨਾ ਕਹੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।